सब्सक्राइब करें सुल्तान सिंह चैनल को और दबाएं बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स के रखरखाव में सावधानियां। सोलर पैनल्स प्रिकॉशनरी मेजर्स। दोस्तों, अगर सोलर पैनल के रखरखाव में सावधानी नहीं बरती जाए तो क्या हाल हो सकता है, यह आप इस पैनल को देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये आप सामने जो देख रहे हैं सोलर मैक्स का 250 वाट का सोलर पैनल है। इस सोलर पैनल को 4-5 दिन पहले एक दोस्त मेरे यहाँ लेकर आए। वो कहने लगे, हमने ट्यूबवेल के लिए पैनल लगाए थे, अब वहाँ पानी की कमी हो गई है, इसलिए हम इसको घर में शिफ्ट कर रहे थे। इसी दौरान ये पैनल गाड़ी में क्षतिग्रस्त हो गया। आप बताएं, इसका कुछ हो सकता है क्या? कोई वारंटी आदि है क्या? मैंने सोलर पैनल को अच्छी तरह देखा और मैं समझ गया कि गाड़ी में किसी चीज़ के नीचे से लगने की वजह से ये पैनल क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके ऊपर का शीशा कण कण बिखरावा जैसा हो रहा है और इसके अंदर के कनेक्टिंग प्लेट्स भी बारीक वाले काफ़ी टूटे हुए हैं, जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब जब इस पैनल को दूसरे पैनल्स के साथ लगाते हैं तो पूरी सप्लाई बाधित हो जाती है, और अगर इसको हटाकर और दूसरे पैनल्स को लगाते हैं तो सही चलती है। तो अब हमने इस पैनल को हटाकर बाकी पैनल्स को सिस्टम में लगाया। दोस्तों, सोलर पैनल्स की 25 साल की वारंटी आती है, लेकिन टूट फूट की कोई वारंटी नहीं होती है। इसलिए हम जब भी इनको ट्रांसपोर्ट करें एक जगह से दूसरी जगह, तो अच्छी तरह पैकिंग करके ही करनी चाहिए। इसके अलावा इनकी सफाई करते समय भी हमें पानी से धोकर कपड़े से इनको पोंछ देना चाहिए। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई कठोर चीज़ इनके ऊपर रगड़ी ना जाए। अगर कठोर चीज़ से रगड़ा जाता है तो ऊपर का शीशा पारभासक हो जाता है, जिससे धूप की रोशनी अंदर कम जाएगी और इसकी क्षमता कम हो जाएगी। आशा है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगले वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि अपने बैंक अकाउंट्स को ऑनलाइन हैकर्स और एटीएम हैकर्स से बचाने के लिए क्या खास सावधानियां बरती जाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।